हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होगे। एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, जिसमें दोस्तों एक अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छी बैटरी हो, जो लॉन्ग टाइम चले और आपका स्मार्टफोन हीट ना करे, मतलब कि दोस्तों अगर आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो या फिर डेली या मल्टीटास्किंग के लिए कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो दोस्तों आपको टॉप प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। और दोस्तों आजकल मार्केट में नंबर वन की पोजिशन पर आने वाला प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोनों के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का यूज किया गया है और जो दोस्तों आपको 11,000 के अंदर के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्चेटेक। चलिए शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन है दोस्तों मोटो E7 प्लस, जिसकी प्राइस है दोस्तों 9,999 रुपये। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज मिल जाएगी। इस स्टोरेज को दोस्तों आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर काम करता है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों बैक साइड आपको इस स्मार्टफोन में 48 MP का प्राइमरी और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 8 MP का वाइड एंगल लेंस दिया गया है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में पावर के लिए आपको 5000 MHz की दमदार बैटरी देखने को मिलने वाली है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों यह स्मार्टफोन क्वाडकोर के स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर पर काम करता है, जो दोस्तों डेली टास्किंग और मल्टीटास्किंग के लिए माना जाता है। चौथे नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन है दोस्तों रियलमी कंपनी का नार्जो 20, जिसकी प्राइस है दोस्तों 9,499 रुपये। वहीं दोस्तों 4GB रैम 64GB फोन स्टोरेज के साथ यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है, जिसको दोस्तों आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको क्वाडकोर का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया गया है, जो दोस्तों एक बेहतरीन प्रोसेसर है। दोस्तों कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों 12 MP का प्राइमरी कैमरा है, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट साइड आपको 8 MP का कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 5000 MHz की दमदार बैटरी दी गई है। अगर दोस्तों आपका बजट 10,000 रुपये तक का है तो आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। मोटो E7 प्लस में दोस्तों आपको बढ़िया कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, तो वहीं दोस्तों आपको नार्जो 20 में बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। दोस्तों एक बात बता दूं कि हमने पांचवें नंबर से शुरू किया है और हम एक नंबर पर जाने वाले हो। एक नंबर वाला स्मार्टफोन दोस्तों ऑलराउंडर स्मार्टफोन होने वाला हो, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो एक बेस्ट स्मार्टफोन है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर दोस्तों आपका बजट 1,000 रुपये ज्यादा है तो दोस्तों आपको इन दोनों से भी बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों 11,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको रियलमी कंपनी का रियलमी 5i देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज दी गई है, जिसको दोस्तों 512GB तक बढ़ा सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जिसका दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो है, जो दोस्तों 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में भी क्वाडकोर का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया गया है। पावर के लिए दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में भी 5000 MHz की दमदार बैटरी मिल जाती है। दोस्तों कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको बेहतरीन कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों पहले दो स्मार्टफोनों में नहीं था। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें दोस्तों प्राइमरी कैमरा 12 MP का है, वहीं दोस्तों 8 MP का वाइड एंगल, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर इस स्मार्टफोन में दिया गया है। वहीं दोस्तों वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में फ्रंट साइड आपको 8 MP का दमदार कैमरा देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आने वाला स्मार्टफोन भी दोस्तों रियलमी कंपनी का ही है और जो है दोस्तों रियलमी C15। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको 10,999 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है, जिसमें भी दोस्तों आपको 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज दी गई है, जिसे दोस्तों आप 512GB तक बढ़ा सकते हो। इस स्मार्टफोन
स्मार्टफोन का दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी बैटरी। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6000 मेगाहर्ट्ज की दमदार सुमो और जंबो बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन को चार्ज होने में करीब 2 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन एक बार चार्ज हो जाने के बाद आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो एंड 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आती है। दोस्तों इन चार फोनों में से ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस दिया गया है। वही दोस्तों सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट साइड आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर मिल जाएगा। दोस्तों ये एक बेहतरीन और ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों आप 11,000 रुपये तक प्राइस सेगमेंट में कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो और आप रियलमी को पसंद करते हो, तो दोस्तों आप रियलमी C15 के साथ जा सकते हो। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। इस लिस्ट में आने वाला सबसे आखिरी और नंबर 1 की पोजीशन पर रहने वाला स्मार्टफोन है दोस्तों रेडमी 9 पावर। जी हाँ दोस्तों, ये फोन को नंबर 1 की पोजीशन में रखने का कारण यही है क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, दमदार 6000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी और क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन को हमने रखा है नंबर 1 की पोजीशन पर। दोस्तों 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज वाला ये स्मार्टफोन आपको 10,999 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये स्मार्टफोन क्वाडकॉर पर स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर पर काम करता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6000 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी दी गई है, जो दोस्तों 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें दोस्तों 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको इस स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोस्तों ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों इन 5 स्मार्टफोनों में से आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ जाना पसंद करोगे तो मेरे हिसाब से आपको Redmi 9 Power के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक फोन में आपको 6000 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी, 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप, इसके अलावा दोस्तों आपको दमदार स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर और एक अच्छी डिजाइन वाला बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाता है 11,000 के प्राइस सेगमेंट में। तो दोस्तों आप इसी स्मार्टफोन के साथ जाइएगा। अगर दोस्तों आप इसके अलावा भी किसी स्मार्टफोन को पसंद करते हो 11,000 के प्राइस सेगमेंट में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।